किसानों के एमएसपी को लेकर स्वराज इंडिया सहित कई किसान समितियां एक एमएसपी सत्याग्रह चलाए हुए हैं। सर ये बताइए कि एमएसपी सत्याग्रह आप लोगों ने चलाया हुआ है, जिसमें आपको पता चला है कि कई राज्यों में मिनिमम जो सरकार की तरफ से रेट तय किए गए हैं वो नहीं मिल रहे हैं। किन किन राज्यों में ये सर्वे किया गया है और कितना आपको अंतर दिख रहा है? इस साल वित्त मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने विशेष घोषणा की, कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे किसी भी किसान की फसल बिकेगी। पिछले 10 दिन से इस दावे की जांच हम कर रहे हैं। 5 राज्यों में होके आए हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा और राजस्थान, और अगले 15 दिन में 4 और राज्यों में जा रहे हैं। इसके आधार पर मैं एक बात कह सकता हूँ, इस देश की किसी भी एक मंडी में, किसी भी एक फसल में किसान अपनी पूरी फसल को सरकारी रेट पर नहीं बेच पा रहा। मैं चुनौती देता हूँ कृषि मंत्री को, चुनौती देता हूँ वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री को, आप अपनी पसंद से इस देश की एक मंडी चुन लीजिए, कोई एक फसल अपनी पसंद की चुन लीजिए और मुझे दिखा दीजिए कि क्या किसान सारी की सारी फसल आपके सरकारी रेट पे बेच पा रहा है। सर एक सवाल कि आप लंबे समय से किसानों की लड़ाई लड़ते रहे हैं, अन्ना हजारे जी दिल्ली में रामलीला मैदान में किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोग किस तरह से उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, किस तरह से उनका समर्थन करना चाहते हैं? अन्ना ने हमेशा की तरह बिल्कुल सही मुद्दे उठाए हैं। किसान के सवाल पे अन्ना बार बार प्रश्न उठाते रहे हैं और जो मांग अन्ना की है उन मांग का हम पूरा समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा है भाव मिले किसान को, उन्होंने कहा है ऋण मुक्ति हो किसान की, हम पूरी तरह से उस मांगों का समर्थन करते हैं। सभी किसानों से आह्वान करते हैं कि वो उनका समर्थन करें। अन्ना ने अपने उपवास के लिए जो मर्यादा तय की है उस मर्यादा का भी हम कहा है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल अगर उनके मंच पर आएंगे तो उन्हें चढ़ने नहीं दिया जाएगा। अन्ना ने कहा है कि कोई भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति वो नहा ना जाए, हम उनकी इस मर्यादा का सम्मान करते हैं, उसमें हम खलल नहीं डालना चाहते। जो आप लोगों ने एमएसपी सत्याग्रह से जो सामने बातें लाई हैं, क्या आप चाहेंगे अन्ना उन बातों को अपने सत्याग्रह से जो आंदोलन कर रहे हैं उनको उठाएं? निश्चित ही वो सारी सूचना हम अन्ना तक पहुंचाएंगे और ये भी अनुरोध करेंगे कि हमने किसानों की तरफ से जो 2 बिल बनाए हैं अन्ना उसका भी समर्थन करें ताकि वो संसद में रखे जा सके। तो स्वराज इंडिया से योगेंद्र यादव जी से उनका कहना है कि जो अन्ना हजारे रामलीला मैदान में किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं ये उनका समर्थन करते हैं। कैमरामैन संदीप के साथ विनय सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली।